वेलकम दोस्तों दोस्तों हाजिर हूँ एक अनदर वीडियो के साथ, जिसमें PTW का हमारा आठ नंबर जो है वो क्वेश्चन आंसर उसका लेकर। दोस्तों इससे पहले हमारा जो है 1 to 7 आ चुका है, आप चेक कर लें, देख लें। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आठ नंबर वीडियो, आठ नंबर पार्ट, आठ नंबर। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द स्कोप। दिस इज नॉट ए स्टॉप, स्टॉप स्कोप है दोस्तों। ओके स्कोप। ओके द सेफ्टी ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम डिसाइडेड स्टॉप ऑब्जर्वेशन एक्ट रिपोर्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PTW स्कोप। ठीक है, दिस स्कोप, दिस इज द PTW प्रोसीजर शैल बी यूज इन ऑल द PDO एंड KNPC, KOC, BP, BAPCO, एडनॉक, रास गैस, क्यूकॉन एंड अरामको, जिसमें भी आप लोग काम करते हैं उसका ले लेते हैं। ओके और उसके बाद जो है ये ऑपरेशंस होता है एंड एंड कंट्रोल्स द अन केस इज द कॉन्ट्रैक्टर हैज स्प्लिटेड क्वांटिटी यूजिंग हिज ऑन प्रोवर्स सिस्टम। मतलब PDO सिस्टम होता है उनका अपना। इट एक्सप्लेन द PDO PTW सिस्टम, डिफाइन व्हेन द PTW इज रिक्वायर्ड एंड द PTW अप्रूवल एंड कंट्रोल द प्रोसेस एंड कंट्रोल द प्रोसेस। ओके दोस्तों याद रखिएगा एंड कंट्रोल द प्रोसेस। ओके कंट्रोल द प्रोसेस। ओके एंड आगे हम बढ़ते हुए बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर एक है, व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑन PTW सिस्टम। तो क्या चीज इन्वॉल्वमेंट है PTW सिस्टम में वो हम देखते हैं। ओके दोस्तों तो ये देख लीजिए आप भी, उसके बाद हम ओनली पर्सन हु हैव सक्सेसफुली ऑब्टेंड ट्रेनिंग एंड बीन फॉर्मली लाइसेंस्ड इन ए PTW रोल्स इज अदर ऑथराइज इन साइन इन द PTW सिस्टम। ओके नॉर्मली नेक्स्ट है, पहला जो है इसका परमिट अप्लीकेंट अप्लाई फॉर द PTW, परमिट होल्डर एक्सेप्ट इज द PTW एंड सुपरविजन द वर्क, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। ओके काउंटर साइन वेरीफाइड एंड एसोसिएट्स ऑफ PTW रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर। ओके दोस्तों प्रोडक्शन के बाद जो है प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के बाद, अब देखिए दोस्तों प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के बाद जो आता है वो रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर होता है। ओके रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर, उसके बाद एरिया अथॉरिटी, एरिया अथॉरिटी भी आता है। उसके बाद सात नंबर, छः नंबर में अदर अफेक्टेड कस्टोडियन जो होता है जो PTW का होता है। आठ नंबर, सात नंबर में ऑथराइज गैस टेस्टर और आठ नंबर में ऑथराइज आइसोलेशन अथॉरिटी जो होता है वो होता है। ओके ये सब चीज़ होता है जो इसमें ज़रूरी है। और उसके बाद जो है दोस्तों आठ नंबर के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क शॉप परमिट, SOP परमिट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टास्क SOP परमिट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, टास्क SOP परमिट इज द एन आउटकम इज एन आउटकम ऑफ PTW PDO
जिस कंपनी में आप, जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं वहां पे ये डाल दीजिएगा, ठीक है। पीडीओ लीन अप्रोच, लीन अप्रोच पार्ट ऑफ मैन पावर, मैन पावर इफिशियंसी इनिशिएटिव, इफिशियंसी इनिशिएटिव द PTW, सिंप्लीफिकेशन, प्रोजेक्ट सिग्नेचर, सिग्रीगेट्स, प्रोजेक्ट सिग्रीगेट्स, सिग्रीगेट्स बिटवीन द हाई रिस्क एंड लो रिस्क, एंड लो रिस्क तो दोस्तों ये हमारा 52 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, आठ नंबर है ये। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नॉर्म्स, NORM नॉर्म, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द नॉर्म, तो दोस्तों नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल फाइंड आउट टास्क स्टोरेज एरिया, उसको नॉर्म्स बोलते हैं। ओके आंसर में नेचुरली एंड नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल मटेरियल्स फाइंड आउट टैंक स्टोरेज एरिया। तो दोस्तों ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 54 नंबर में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हु इज द परमिट होल्डर, द परमिट होल्डर नॉमिनेटेड बाय द परमिट एप्लीकेंट, टू बी चार्जेस
ऑफ ए वर्कशीट वर्कसाइट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क पार्टी। For the work party, simplification, project. ओके दोस्तों, अब हो गया व्हाट इज द पास। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना व्हाट इज द पास, PASS। ओके क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द पास। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको व्हाट पास, व्हाट इज द पास में क्या है? इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है P4 ये यूज होता है जनरली फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। ओके एक्सटिंग्विशर क्वेश्चन पूछ देता है जनरली। पहला पहला पी पुल टायर जेल, ओके दोस्तों इसमें है एम विसर एपुंटे, एम विसर तीसरा होता है इसमें स्क्वेज, ये पी ए हो गया ना A4, अब S4 स्क्वेज। प्रीमा चौथा जो हो गया स्विप ब्लेयर बैरियर, SWEEP स्वीप ब्लेयर बैरियर। तो दोस्तों ये देखिए, ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्तों 55-56 नंबर कि H2S जो होता है गैस, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा स्वीट सॉस एंड सटी स्वीट SWET ये, हाँ
100, सौर 5 बार 100 RPM से कम, उसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन, क्वेश्चन नंबर 57, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मेंटेन द हाई क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मेंटेन द हाई क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड कंटेंट। अब जो है दोस्तों ये हो गया मेंटेन द हाई क्वालिटी कंटेंट एंड कंटेंट। इसके बाद जो है इंश्योर दैट नेसेसरी डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड टू यूज, इंश्योर दैट नेसेसरी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोवाइड टू यूज। उसके बाद जो है नेक्स्ट डिफाइन द PTW सिस्टम, डिफाइन द PTW सिस्टम। हार्डवेयर परमिट रैक्स लोकेशन बोर्ड आइसोलेशन हार्डवेयर एक्सेट्रा। उसके बाद रिव्यू एंड री इनकॉर्पोरेट चार्जेस टू PTW सिस्टम। एंड इनकॉर्पोरेट चार्जेस टू PTW सिस्टम। PTW सिस्टम प्रोवाइड ट्रेनिंग टू PTW फोकल पॉइंट्स। ट्रेनिंग्स एंड फोकल पॉइंट्स। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन होगा 8 नंबर, 58 नंबर, और इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, व्हाट इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स।
तो दोस्तों आपको पता है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स का होता है क्या होता है। इट्स अ PTW सिस्टम में, मतलब कि हम अभी बात कर रहे हैं PDO के लिए। आप इसको में जहाँ पे PDO होगा वहाँ पे आप जिस भी कंपनी में आप हैं, जहाँ है जैसे ओमान में है तो PTW PDO चलेगा। उस तरह अगर आपको बहरीन में तो बापको चलेगा, KNPC में कुवैत में तो KNPC चलेगा, आरामको चलेगा, अडनॉक चलेगा। तो इस तरह से हल्के से अपना अपना होगा। हम अभी हम बात कर लेते हैं PDO कर दिया, ओके। PDO पॉलिसी, यहीं पे आप किसी भी कंपनी को नाम जोड़ सकते हैं, ओके। उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मैनेज करना, टू मैनेज मैनेज इमरजेंसी इन ऑल एक्टिविटीज, ओके। एंड वेयर पॉसिबल एसेट्स थर्ड पार्टीज एंड कोऑपरेट विथ एक्सटर्नल इमरजेंसी सर्विसेज। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 58 नंबर क्वेश्चंस भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपना जो लास्ट इसमें क्वेश्चंस है 59 नंबर उसके तरफ। तो इस तरह से जो है दोस्तों, रिस्पॉन्स ऑफ एनी इमरजेंसी शेल फोकस ऑन द फॉलोइंग प्रायोरिटीज। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल टू एनी एनी शेल इमरजेंसी शेल फोकस ऑन द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ आंसर ले लेते हैं फिर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पी ई ए आर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी शेल फोकस ऑन द फ्लोइंग प्रपोजेस। तो पीयर्स एक करके होता है, पीयर्स इसमें टर्म्स आता है, पूछ सकता है आपसे। तो इसमें P4 जो होता है दोस्तों, पर्सनल पर्सनल इंजरी पर्सनल उसके बाद इसमें होता है E4 होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तीन नंबर में होता है E4 होता है एसेट डैमेज। और चार नंबर में होता है दोस्तों R4 रेपुटेशन डैमेज। दोस्तों अगर
कभी भी कोई इमरजेंसी होता है, चाहे वो इंसिडेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्घटना, तो इससे क्या होता है कि आपको चार चीज मतलब होता है। एक पर्सनल इंजरी जो बंदा के साथ दुर्घटना करता है उसके साथ, अगर कोई आग उग लग जाता है इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, किसी अगर इक्विपमेंट वगैरह में अगर कुछ हो जाता है तो वो एसिड डैमेज हो जाता है। उसके साथ क्या होता है आर हो, जो अगर इस तरह का कोई भी केस होता है तो कंपनी का जो है वो एक रेपुटेशन जो है वो कम जाता है। तो इस वजह से जो है हर कंपनी चाहती है कि कोई तरह का ना नियर मिस हो ना कोई एक्सीडेंट हो। ओके, तो इस चीज़ पे हमको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, तो दोस्तों आप देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है ये। और दोस्तों जैसा कि हम आपको बताया कि क्वेश्चन जो है व्हाट इज द मॉक एमओसी मॉक व्हाट इज द मॉक एमओसी। ओके, तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस मॉप। ऑफ चेंज प्रोसेस ओके, ईच परमानेंट मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर्स ईच परमानेंट मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर विद इन पीडीओ पीडीओ विल कंप्राइज फाइव की स्टेप। पहला होता है स्क्रीनिंग, पहला होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है रिव्यू, तीसरा होता है अप्रूव, चौथा होता है इंप्लीमेंट एंड पांचवा होता है क्लोज। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दिया इस तरह से जो है ये डील होता है, क्या क्या होता है स्क्रीनिंग रिव्यू अप्रूव इंप्लीमेंट एंड क्लोज। ओके, अब दोस्तों इसी तरह से अब हमें क्वेश्चंस इसमें अराइज होता है, मैं उसको भी इसमें अटैच करना चाहता हूँ, फिर हम वीडियो का खत्म करना चाहते हैं। लंबा वीडियो होने वाला है, तकरीबन हमारा आधा घंटा का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं छोटा वीडियो बनाता था बट इसको हम सोचे कि ये वाला जो भी सीरीज है इसमें थोड़ा लंबा लंबा करके जल्दी ख़त्म करते हैं अपना कोर्स को। अगर दोस्तों अगर मेरा कोर्स को आप ख़रीदना चाहते हैं जिसमें आपको पूरा पीडीएफ फाइल मिल जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 हुआ। ये है पीटीडब्ल्यू लाइफ साइकिल, पीटीडब्ल्यू का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करता है। ओके, तो दोस्तों प्लानर होता है एप्लीकेंट, पीटीडब्ल्यू प्लानर हो गया पहला, उसके बाद हो गया एप्लीकेंट, उसके बाद होगा पीटीडब्ल्यू कोऑर्डिनेटर। उसके बाद होगा रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर,
उसके बाद रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर के बाद जो हो जाता है वो एरिया अथॉरिटी। और लास्ट में होता है दोस्तों पीटीडब्ल्यू होल्डर। लास्ट में होता है कौन? पीटीडब्ल्यू होल्डर। देखो दोस्तों लास्ट में पीटीडब्ल्यू होल्डर होता है। ओके, ये हमेशा याद रखना दोस्तों, लास्ट में कौन होता है? पीटीडब्ल्यू होल्डर होता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये समाप्त हो रहा है जो वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। अगर हाँ आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों।